हेलो स्टूडेंट, आई एम अनुपाल। आज हमारा ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फोर्थ लेक्चर है। देखिए, इसमें आज आपको मैं और कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन है, ये इसमें हमें पॉइंट्स हैं, इसके कोऑर्डिनेट गिवन है। फर्स्ट कोऑर्डिनेट है ए, जिसका कोऑर्डिनेट है -2 -1। सेकंड पॉइंट है हमारा बी, जिसका कोऑर्डिनेट है 1, 0। थर्ड हमारा ये पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है 4, V। और फोर्थ पॉइंट हमारा है जिसका डी पॉइंट है, जिसका कोऑर्डिनेट है क्या 1, 2। ये ना ये चार पॉइंट्स आपको क्या है, वर्टेक्स गिवन है। किसके वर्टेक्सेस हैं? पैरेललोग्राम के। तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। ए और बी की वैल्यू को आपको कैलकुलेट करना है। देखिए, जैसे कि आपका ये बी पॉइंट है, इसमें हमारा ये कॉन्स्टेंट ए आ रहा है, सी पॉइंट में कॉन्स्टेंट क्या आ रहा है, बी। इन कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू को आपको कैलकुलेट करना है। तो ये क्वेश्चन में देखिए किसके वर्टेक्सेस हैं, पैरेललोग्राम के। तो पैरेललोग्राम आप यहां बनाइएगा एक। हमने एक पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट कर लिया। देखिए देखिए, ए बी सी डी, ये इसके क्या हैं, वर्टेक्सेस हैं। तो देखिए, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हैं आपके पास, -2 -1। वी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, 1, 0। और सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट देखिए कितना है, 4, V। और डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितना है, 1, 2। तो ये आपको ना एक पैरेललोग्राम दे रखा है। अब आपको क्या करना है, इस यहाँ पर ए और बी, ये दो कॉन्स्टेंट की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो देखिए, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी का यूज़ करिए आप, उससे हम इसको इन कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। पैरेललोग्राम में आप जानते हैं, सपोज जैसे कि एक ये हमारा डायगोनल है AC एक डायगोनल और दूसरा डायगोनल आपका ये है, ठीक है ना। तो दोनों डायगोनल क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी से क्या होता है कि पैरेललोग्राम में जो हमारे डायगोनल होते हैं, जैसे AC और क्या है हमारा BD डायगोनल, वो क्या है, क्या करेंगे, बाइसेक्ट ईच अदर करेंगे, ठीक है। तो अब आप देखिए, जब ये बाइसेक्ट ईच अदर करेंगे तो देखिए ये जो है ना वो हमारा क्या है, मिड पॉइंट। तो इसका सॉल्यूशन देखिए आप लोग, ये आपका ए पॉइंट है, ये इसके वर्टेक्सेस आपको गिवेन है पैरेललोग्राम के 1, 0। अगला क्या है हमारा, 4, V। एंड नेक्स्ट देखिए क्या है आपका, 1, 2। ये फोर वर्टेक्सेस हैं। तो देख, आप देख रहे हैं एक डायगोनल क्या है हमारा, AC। मैं बता देता हूं आपको, लिखिए वी नो दैट डायगोनल्स of a parallelogram bisect to each other, ठीक है। तो आप देखिए, ये एक डायगोनल हो गया AC, तो O इसका क्या होगा, मिड पॉइंट। देखिए AC एंड BD आर डायगोनल्स ना, ये हमारे पास क्या है, डायगोनल्स हैं, किसके, पैरेललोग्राम का डायगोनल है। तो इसका ओ क्या है हमारा, ओ इज द मिड पॉइंट। ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। ओ ना हमारा मिड पॉइंट होगा किसका, AC का। तो कोऑर्डिनेट ऑफ इसके मिड पॉइंट के कैलकुलेट करिए, कोऑर्डिनेट ऑफ ओ। तो देखिए AC का यूज़ कर रहे हैं हम। मिड पॉइंट फार्मूला मैंने डिस्कस किया है प्रीवियस लेक्चर में। जो स्टूडेंट इस मेरे लेक्चर्स को नहीं देखा, वो प्ले लिस्ट में जाकर ना मेरे लेक्चर्स को देख सकते हैं। देखिए, O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। O क्या हमारा मिड पॉइंट है किसका, AC का। ये A है, ये C है। तो मिड पॉइंट फार्मूले का हम यूज़ कर रहे हैं। मिड पॉइंट फार्मूला क्या था, x1 + x2 / 2, x1 x2, -2 + 4/2, फिर देखिए -1 + v/2। ये कोऑर्डिनेट आ चुका है इसका मिड पॉइंट का। देखिए 4, 2 बचेगा, 2 से 2 डिवाइड करेंगे 1, फिर ये आपका बचेगा यहाँ पर v - 1/2। ये कोऑर्डिनेट आ गया किसका, ओ पॉइंट का, किस डायगोनल के रेस्पेक्ट में, AC के। इसी तरह यहाँ लिखे ऑल्सो O इज द मिड पॉइंट। O हमारा मिड पॉइंट है, किसका मिड पॉइंट है, BD का। तो ये BD का मिड पॉइंट है। तो यहां लिखिए कोऑर्डिनेट ऑफ O, फिर कोऑर्डिनेट लिखिए किसके, O के। अब ये कोऑर्डिनेट हम O का निकालने किसके रेस्पेक्ट में, किस डायगोनल के रेस्पेक्ट में, BD के। वही मिड पॉइंट फॉर्मूले का यूज करेंगे आप, x1 + x2 / 2, 0 + 2 / 2।
तो इन कोऑर्डिनेट्स को आपने कैलकुलेट किया, a प्लस वन अपॉन टू वन, ये आ गया। देखिए यहाँ पर ये जो O पॉइंट है वो BD पे भी लाई कर रहा है और O पॉइंट जो हमारा डायगोनल है AC पर भी लाई कर रहा है, तो इसलिए हम इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को इक्वल रख सकते हैं, ठीक है ना। इनको इक्वल पुट कर दीजिए ना, हो ए प्लस वन अपॉन टू कॉमा वन इक्वल्स टू वन वी माइनस वन अपॉन टू। इन कोऑर्डिनेट्स को हमने इक्वल रख दिया, क्यों रख दिया, क्योंकि ये जो ओ पॉइंट है वो ए सी पर भी लाई कर रहा है और बी डी पर भी लाई कर रहा है। इन कोऑर्डिनेट को इक्वेट कर लीजिए, फर्स्ट कोऑर्डिनेट हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट के बराबर होगा, तो पुट करिए ए प्लस वन अपॉन टू बराबर वन, ए प्लस वन बराबर टू, ठीक है ना। इसको इधर सबट्रैक्ट करेंगे तो ए इक्वल्स टू वन आ गया, ठीक है। इसी तरह इसको भी इक्वेट करिए, वन इक्वल्स टू वी माइनस वन अपॉन टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए आप लोग, वी माइनस वन अपॉन टू, वन को इधर ले जाएंगे तो वी इक्वल्स टू थ्री। तो इस क्वेश्चन में क्या कहा था आपसे, कैलकुलेट करिए, ए और वी की वैल्यू को कैलकुलेट करना था, तो वो हमने ए और वी की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया है। देखिए नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल। देखिए ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये मैंने आपको समझाया था। सपोज इसमें हमने एक ट्राइंगल ये कंसीडर कर लिया, ठीक है। ये आपने इसका ए पॉइंट है जिसका वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट एक्स वन वाई वन, ये आपका बी पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट हमने एक्स टू वाई टू कंसीडर कर लिया, ये क्या है हमारा सी पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट एक्स थ्री कॉमा वाई थ्री हमने कंसीडर कर लिया। सेंट्रॉइड, देखिए सेंट्रॉइड क्या होता है वो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। यहाँ देखिए अब हमने क्या करा, इस ए पॉइंट बी सी, बी सी क्या, बी सी का एक मिड पॉइंट क्या लिया हमने डी, इसी वे इसी प्रकार ए सी का भी मिड पॉइंट एक हमने ये कंसीडर कर लिया ई, इसी तरह ए वी का भी एक मिड पॉइंट क्या कंसीडर किया हमने एफ। एक ट्राइंगल है ए बी सी, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए वी। अब हमने इनको ज्वाइन कर लिया, देखिए ये अपोजिट वर्टेक्सिस से इसको आपने ज्वाइन कर लिया, तो आप देख रहे हैं ये तीन क्या हो गए आपके ए डी और ये आपका बी और ये आपका सी एफ, ये तीनों क्या हमारे इस ट्राइंगल के मीडियन। तो जिस पॉइंट पर आपका ये मीडियन इंटरसेक्ट हो रहा है ये जी, जैसे जी पॉइंट है, तो जी पॉइंट क्या कहलाएगा इस ट्राइंगल का सेंट्रोइड। तो इस सेंट्रोइड के ही हमें कोऑर्डिनेट बताने हैं Z पॉइंट, ठीक है, जहां पर ये तीनों मीडियन आपस में इंटरसेक्ट होंगी उस पॉइंट को ही हम ट्राइंगल का क्या कहेंगे सेंट्रोइड कहेंगे। तो लिखिए इफ ए, ठीक है, हमने यहां कंसीडर किया है ए बी सी, ये इस ट्राइंगल के क्या आपको गिवन है वर्टेक्सिस हैं, डी ई एफ आपको मिड पॉइंट दे रखा है किस ट्राइंगल का, डी ई एफ आपको मिड पॉइंट है बी सी ए सी और ए वी के, तो जहां पर ये तीनों मीडियन हमारी इंटरसेक्ट हो रही हैं किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रही हैं जी पॉइंट पर, ठीक है। तो देखिए यहां समझिए ए बी सी आपको वर्टेक्सिस दे रखे हैं ट्राइंगल ए बी सी के, उसके कोऑर्डिनेट भी आपको यहां गिवन है, तो नेक्स्ट क्या है डी ई एफ मिस मिड पॉइंट ऑफ डी, मिड पॉइंट ऑफ वी सी, ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी, एफ इज मिड पॉइंट ऑफ, ये तीनों मीडियंस जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं तो उस पॉइंट को हम इस ट्राइंगल का क्या कहते हैं सेंट्रोइड कहते हैं। तो इस सेंट्रोइड के आप कोऑर्डिनेट्स किस तरह निकालेंगे उसका फॉर्मूला देखिए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रोइड, ठीक है, तो इस ट्राइंगल का जो सेंट्रोइड है ना जी उसके आप कोऑर्डिनेट्स निकालने का क्या फॉर्मूला वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो जी पॉइंट के जो हमारा जी पॉइंट सेंट्रोइड है उसका कोऑर्डिनेट इस तरह से निकालेंगे आप, एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री डिवाइडेड वाई थ्री, वाई इक्वल्स टू वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री डिवाइडेड बाई थ्री। तो अगर आपको किसी ट्राइंगल का वर्टेक्सिस गिविन है तो इस ट्राइंगल का जो सेंट्रोइड होगा सेंट्रोइड है सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट हैं उसको हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे उसके लिए ये फॉर्मूला है आपका। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्स इफ एक्स माइनस टू वाई प्लस के इक्वल्स टू जीरो, ठीक ना, एक ये इक्वेशन आपको गिवन है, इज अ मीडियन ऑफ
द ट्राइंगल, एक ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल का जो मीडियन है उसके आपको ये इक्वेशन गिवन है, उस ट्राइंगल के वर्टेक्सिस भी आपको गिवन है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के। आप इसमें कॉन्स्टेंट के देख रहे हैं ना, इस कॉन्स्टेंट की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो क्या क्या गिवन है, तो पहले हम लिख लेते हैं, एक ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल के वर्टेक्सिस आपको ये गिवन है, ठीक है, और ये क्या दे रखा है, इक्वेशन ऑफ मीडियन, ठीक ना, ये आपको इक्वेशन ऑफ मीडियन दे रखा है। देखिए थोड़ा डायग्राम द्वारा आपको समझाते हैं, सपोज ये आपका ट्राइंगल ए, ठीक है ना, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितना है -1, 3, ये आपका बी पॉइंट, इसका कोऑर्डिनेट कितना है 0, 4, ये आपका सी पॉइंट, इसका कोऑर्डिनेट कितना है -5, 2। ये हमारा क्वेश्चन है जिसमें इस ट्राइंगल के तीन वर्टेक्सिस दे रखे हैं और इस ट्राइंगल का जो मीडियन है ना, मीडियन की आपको इक्वेशन यहाँ गिवन है, आपको मीडियन में जो कॉन्स्टेंट आप देख रहे हैं उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। देखिए मीडियन तो आपका एक AD भी हो सकता है, इधर से BE भी हो सकता है, और इधर से ड्रॉ करेंगे हम CF भी ले सकते हैं। सपोज मैंने इस मीडियन को क्या ले लिया यहाँ पर AD, वैसे B पॉइंट और C पॉइंट से भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो G पॉइंट इसके ट्राइंगल का क्या होगा यहाँ, सेंट्रोइड, तो सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट हम फाइंड आउट करते हैं। लिखिए यहाँ पर इफ जी इज द सेंट्रोइड, जी आपको ना सेंट्रोइड गिवन है किसका, ट्राइंगल ABC का, तो लिखिए देन कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल ABC, जो ट्राइंगल ABC ना उसके सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट निकालिए। तो जी सेंट्रोइड का हमने फार्मूला जस्ट अभी आपको बताया कि किस तरह निकालते हैं, x1 + x2, देखिए फार्मूला है x1 + x2 + x3 / 3, और ये फार्मूला है y1 + y2 + y3 / 3। इस तरह से हम इस ट्राइंगल के सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट को कैलकुलेट करेंगे। देखिए x1 y1 x2 y2 x3 y3, इनका यूज़ करिए, x1 की वैल्यू कितनी है -1, x2 की वैल्यू कितनी है 0 -5 / 3, नेक्स्ट आप देखिए 3 + 4 + 2 / 3, ये इस ट्राइंगल का सेंट्रोइड आ गया, ठीक है ना। इसकी कैलकुलेशन करिए, 5 और 1 6, 3 से डिवाइड करेंगे -2, 3 4 7 7 2 9, तो ये 3। अब आप देख रहे हैं ये ट्राइंगल का क्या आ गया, सेंट्रोइड, तो जो सेंट्रोइड है वो किस पे लाई कर रहा है, करेगा मीडियन, तो मीडियन की इक्वेशन क्या दे रखी है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं हम इसको, लिखिए द सेंट्रोइड, लिखिए द सेंट्रोइड जी ऑफ ट्राइंगल ABC लाइज ऑन द मीडियन फर्स्ट, मीडियन फर्स्ट पर ये लाई करेगा। तो मीडियन देखिए जो जी पॉइंट है, जी पॉइंट किस पे लाई करेगा, इस मीडियन पर, ये मीडियन की इक्वेशन दे रखी है। तो ये जो जी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है ना -2, 3, वो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दीजिए। एक्स के प्लेस पर क्या पुट करना है आपको -2, और वाई के प्लेस पर क्या पुट करना है 3, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट है इसके, ठीक है ना, ये हमारा एक्स कोऑर्डिनेट है, ये क्या हमारा वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है, इसमें पुट करिए यहाँ x - 2y + k = 0। तो एक्स की वैल्यू देखिए -2, और -2 वाई की वैल्यू देखिए यहाँ कितना है 3 + k = 0। तो आप ये देखिए यहाँ से -2 - 6 + k = 0, तो k = 8, ठीक है, तो ये इस कांस्टेंट की वैल्यू को हमने कैलकुलेट कर लिया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा ए पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है 3, 2, सेकंड पॉइंट है हमारा बी, एक ट्राइंगल, इस क्वेश्चन में क्या कि मैंने आपको एक ट्राइंगल ABC दे रखा है ना, उस ट्राइंगल का जो ए वर्टेक्स है उसका कोऑर्डिनेट, वी वर्टेक्स है उसका कोऑर्डिनेट आपको गिवन है, और इस ट्राइंगल का जो सेंट्रोइड है, सेंट्रोइड के भी कोऑर्डिनेट आपको गिवन है। आपको क्या फाइंड आउट करना है, उस ट्राइंगल का जो थर्ड वर्टेक्स है उसका कोऑर्डिनेट आपको कैलकुलेट करना है। तो देखिए इसको इस तरह से करना है, यहाँ ये आपका ए पॉइंट 3, 2, सेकेंड पॉइंट 2, 1, कोऑर्डिनेट ऑफ थर्ड वर्टेक्स सी, जो सी पॉइंट है उसका हमने कोऑर्डिनेट ये कंसीडर कर लिया x, y, ये हमें कैलकुलेट करना है। और आपको ना ट्राइंगल का क्या दे रखा है, सेंट्रोइड भी गिवन है, लिखिए ऑल्सो
सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज जी. जी पॉइंट आपको ट्राइंगल का सेंट्रॉइड दे रखा है जिसका कोऑर्डिनेट आपको यहाँ गिविन है 5.3 - 1.3. तो अगर हम इसको डायग्राम के अकॉर्डिंग इसका अब इसका हम डायग्राम बनाते हैं. देखिए यहाँ ठीक है ना, ये आपका वर्टेक्स ए है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है 3.2, और ये आपका बी पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है -2.1, ये आपका सी पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट आपको कैलकुलेट करना है जिसको हमने क्या कंसीडर कर लिया x, y. अब आपको देखिए इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, ट्राइंगल का सेंट्रॉइड आपको गिवन है. सपोज ये एक हमारा मीडियन है, दिख रहे हैं ये जी आपको, देखिए क्या यहाँ पर गिवन है इस ट्राइंगल का सेंट्रॉइड. सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट आपको ये गिवन है 5/3 - 1/3. क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट करना है, जो हमारा थर्ड वर्टेक्स है वो आपको फाइंड आउट करना है. तो सिंपल सी बात है, सेंट्रॉइड का फॉर्मूला यूज कर यहाँ लिखिए कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल जी. तो सेंट्रॉइड का फॉर्मूला मैंने आपको अभी बताया है x1 + x2 + x3. देखिए 3 - 2 + x / 3, फिर आप देखिए 2 + 1 + y / 3, और ऑलरेडी आपको इस क्वेश्चन में जी पॉइंट के कोऑर्डिनेट यहाँ गिवन है. तो ये लिखिए 5/3 - 1/3. ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए 3 - 1 + x / 3, 2 + 1 = 3 + y / 3. ठीक है, इन कोऑर्डिनेट्स को आप इक्वेट कर लीजिएगा. फर्स्ट कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा 5/3 = 1 + x / 3. सेकेंड कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा -1/3 = 3 + y / 3. ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं. देखिए फर्स्ट वाले को करिए क्रॉस मल्टीप्लाई करिए 3 + 3x = 15. 15 में से 3 माइनस करेंगे 12. ठीक है, तो x = ये देखो वैल्यू क्या आ गई है 4. ठीक है, इसको कैलकुलेट करिएगा आप, ये आपका 9 + 3y = -3, और -3 - 9, 3 = -12, y = -4. तो ये हमारा जो थर्ड वर्टेक्स ना उसके कोऑर्डिनेट, तो लिख दीजिए आप यहाँ हैंस कोऑर्डिनेट ऑफ थर्ड वर्टेक्स. सी देखिए x कोऑर्डिनेट कितना है 4 - 4. तो इस ट्रायंगल का जो थर्ड वर्टेक्स होगा उसके कोऑर्डिनेट आ गए आपके 4, -4. ठीक है, सो स्टूडेंट आज के इस लेक्चर में मैंने आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ट्रायंगल का सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं उसका कॉन्सेप्ट समझाया है. ठीक है, और उसकी कुछ मैंने आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कराई हैं, आप भी ट्राई करके देखिएगा. और अगर आप लोगों को मेरा आज का ये लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे इस लेक्चर को आप शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और उस पर कमेंट करिएगा. और अगर आप लोगों ने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा. थैंक यू.